समय स्पेस और मैटर बनाता है हमारे उस ब्रह्मांड को जो हमारी कल्पना से भी परे है। हमारी पृथ्वी सूरज चांद सौरमंडल से लेकर कई बिलियन ईयर्स दूर स्टार सिस्टम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। आज मनुष्य ने इतनी तकनीक इजाद कर ली है कि वह धरती के कोने कोने को छान पाया है, यहाँ तक कि स्पेस के भी कई क्षेत्रों के बारे में जान पाया है। लेकिन सच कहे तो हम जितना भी एक्सप्लोर कर पाए हैं वह ब्रह्मांड के सामने चट्टान का केवल एक कण मात्र है। ऐसा में क्या कभी आपके दिमाग में इस सवाल ने दस्तक दी है कि क्या हम सभी पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर कर सकते हैं या नहीं? आखिर इस चुनौती को पूरा करने में कितना समय लग सकता है? क्या हो अगर हम अनंत ब्रह्मांड को लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें? क्या ऐसा करना संभव है? ऐसे कई सवाल हैं जो आज भी अनसुलझे हैं, जिन पर रिसर्च तो बहुत हुई लेकिन लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज हम आप सबके सामने रिसर्च के कुछ उन्हीं पन्नों को खंगालेंगे और बताएंगे कि क्या सच में इंसान लाइट की स्पीड से ब्रह्मांड के उस छोर तक पहुंच सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो रिपोर्ट। मैं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंसान पृथ्वी से जब आसमान की गहराइयों की ओर देखता है तो वह इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और अनंत है। हम जो देखते हैं वो गैलेक्सी का केवल फ्रैक्शन है। पूरे ब्रह्मांड को तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की मदद से भी नहीं देखा जा सकता है। ऐसे में जब हम लाइट की स्पीड से यूनिवर्स के किनारे तक को एक्सप्लोर करने की बात करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां और फैक्ट्स को भी हमें मद्देनजर रखना होता है। लाइट की स्पीड से यूनिवर्स के किनारे जाने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि जिस यूनिवर्स को हम जानते हैं वो केवल ऑब्जर्वर यूनिवर्स है। इसके अलावा भी ब्रह्मांड का बहुत सा हिस्सा बाकी है जिसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। ब्रह्मांड के इस हिस्से की कोई सीमा नहीं है, इसलिए हम इसे नॉन ऑब्जर्वर यूनिवर्स के रूप में देखते हैं। नॉन ऑब्जर्वर यूनिवर्स का तो हमें पता नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वर यूनिवर्स हमसे 46.5 बिलियन लाइट ईयर दूर है। इतनी दूरी पर पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी बातों का विचार करना होगा। अगर यहाँ तक पहुँचने के लिए हम एक नॉर्मल यात्रा का सहारा ले तो भी 7 जन्म गुजर जाने के बाद भी आप यूनिवर्स के उस किनारे तक नहीं पहुँच पाएंगे। आज जो तकनीक हमारे पास मौजूद है वो हमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किनारे तक की यात्रा मुहैया नहीं करा सकती है। लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी शायद ऐसी तकनीक इजाद करने में सफल हो जाए जिसके चलते हम लाइट की स्पीड से ऑब्जर्वर यूनिवर्स को देख पाए। इसी उम्मीद और विकास को ध्यान में रखते हुए अगर हम तकनीकी रूप से लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने में सफल रहे तो चलिए जानते हैं यूनिवर्स के किनारे तक हमारी यात्रा कैसी होगी और हमें वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। शुरुआत करते हैं हमारी पृथ्वी से। मान लीजिए आप पृथ्वी से लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने वाले स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष की तरफ रवाना होते हैं। लाइट की स्पीड से चलने का मतलब है कि आपके स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड होगी, यानी 1 सेकंड में इतनी दूरी कवर करने का मतलब कि पलक झपकते ही आप पृथ्वी से बाहर चांद के करीब पहुंच चुके होंगे। ऐसे में हमें चांद पर पहुंचने में केवल 1.28 सेकंड का टाइम लगेगा। सुनने में यह एक सपने जैसा लगता है, लेकिन लाइट की स्पीड का कमाल कुछ ऐसा ही होगा। चांद के बाद हमारा अगला स्टेशन होगा मंगल ग्रह। देखा जाए तो मंगल की पृथ्वी से दूरी 303.87 मिलियन किलोमीटर है, लेकिन सूरज के चक्कर लगाते हुए जब मंगल पृथ्वी के सबसे करीब आता है तो ये दूरी घटकर केवल 75 मिलियन किमी रह जाती है। अगर स्पेसक्राफ्ट उस समय मंगल की दूरी तय करने में कामयाब रहा तो हम केवल 4 मिनट और 16 सेकंड की ड्यूरेशन में ही मंगल पर पहुंचने में कामयाब होंगे। 4 मिनट के समय में तो हम चाय की प्याली भी खत्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन उतनी देर में हम मंगल ग्रह पर पहुंच चुके होंगे। इसी तरह आगे का सफर तय करते हुए जब हम जुपिटर की ओर बढ़ेंगे तो वहां पहुंचने में लगने वाला समय थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि जुपिटर की पृथ्वी से दूरी 628.7 मिलियन किमी है। ऐसे में हमें पृथ्वी से जुपिटर तक पहुंचने में 34 मिनट का समय लग जाएगा। अगर आपको ये समय कम लगता है तो आगे बढ़ने के साथ ये समय धीरे धीरे बढ़ने वाला है और फिर आपको समझ आएगा कि हम असल में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। जुपिटर के बाद बारी आती है सैटर्न की, जो हमसे 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से सैटर्न का सफर 70 मिनट का होगा। सैटर्न के बाद हम नेपच्यून की तरफ आगे जाएंगे, जहाँ पहुंचने में हमें 4 घंटे का समय लगेगा। ये समय उतना ही है जितना आपको सिनेमा हॉल में मूवी देखने और एंजॉय करने में लगता है। आगे बढ़ते हुए हमारे रास्ते में आएगा प्लूटो, जो कि अब एक ग्रह नहीं है, लेकिन वह हमसे 9 बिलियन किमी दूर है।
जहां पहुंचने में लगभग 5.5 घंटे गुजर जाएंगे। इस वक्त में आपकी एक समय की नींद पूरी हो जाएगी। आगे हमारी मंजिल की ओर बढ़ते हुए जब हम प्रोक्सिमा सेंटोरी पर पहुंचेंगे तो अंतरिक्ष की यात्रा करते हुए हमें 4.25 साल का समय गुजर चुका होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोक्सिमा सेंटोरी हमसे 39.8 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। 4.25 साल काफी है आपको ग्रेजुएट होने में। 4.25 साल में इंसान की जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन सोचिए, आप इन 4 सालों में केवल अंतरिक्ष की यात्रा पर होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारे सूरज का सबसे करीबी तारा है। केवल अपने पड़ोसी तारे की यात्रा करने के लिए हमें अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय निकालना होगा, वो भी तब जब हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो। तो खैर, आगे बढ़ते हुए हम हमारी अगली डेस्टिनेशन की बात करते हैं, जो किलोमीटर्स नहीं बल्कि कई लाइट ईयर्स दूर होगी। अगर हम लाइट ईयर्स को किलोमीटर में मेजर करें तो एक लाइट ईयर में 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर मिलते हैं, जो कि लाइट की स्पीड से कैलकुलेट की गई है। अब बात करते हैं अगली डेस्टिनेशन की, जो कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी होगी, जिसकी पृथ्वी से दूरी 2.537 मिलियन लाइट ईयर है। अगर इंसान चाहे तो भी यहाँ पहुंचने में कई जनरेशन निकल जाएगी, क्योंकि हमें एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचने में 25 लाख साल का समय लग जाएगा। जरा सोचिए कि इतने सालों में धरती की क्या तस्वीर होगी। क्या पता धरती से मानव सभ्यता ही मिट जाए, आप ना जाने कितने ही जन्म लेकर मर जाए, लेकिन तब भी आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे। आगे बढ़ते हुए अगर लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते रहे तो 70 करोड़ सालों में हम बूट्स वॉइड तक पहुंच जाएंगे। बूट्स वॉइड स्पेस में मौजूद एक खाली रीजन है जिसमें कई गैलेक्सी मौजूद है। स्पेस की यह जगह स्फेरिकल शेप में मौजूद है। अब सबसे रोमांचक और जरूरी सवाल ये उठता है कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने के बाद भी हम 70 करोड़ साल में ऑब्जर्वर यूनिवर्स के किनारे पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो वहां पहुंचने तक आखिर हमें कितना समय लगेगा? इस सवाल का जवाब जितना आसान लगता है ये असल में उतना ही पेचीदा है। ऑब्जर्वर यूनिवर्स हमसे 46.5 बिलियन लाइट ईयर की दूरी पर है। ऐसे में हमें ऑब्जर्वर यूनिवर्स के किनारे तक पहुंचने में 46.50 अरब साल लगेंगे। इतनी लंबी समय अवधि के बाद भी जरूरी नहीं है कि आप यूनिवर्स के किनारे तक पहुंच पाए। ऐसा कहने के पीछे जरूरी साइंस ये है कि जब तक हम लाइट की स्पीड से ब्रह्मांड के इस छोर से दूसरे छोर तक पहुंचेंगे, तब तक ऑब्जर्वर ब्रह्मांड खिसक कर आगे बढ़ चुका होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा ब्रह्मांड हर सेकेंड और हर वक्त एक्सपेंड हो रहा है, और उसके एक्सपेंड होने की दर लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है। ऐसे में आपका ब्रह्मांड के किनारे पर पहुंचना एक सफेद सपने जैसा लगता है, जिसके सच होने के आसार 1% भी नजर नहीं आते हैं। कैलकुलेशंस और एस्ट्रोनॉमिकल साइंस इसी कड़ी पर रोशनी डालती है कि हमारी लाइट की स्पीड से भी यूनिवर्स के किनारे पर पहुंचना संभव नहीं है। अगर भविष्य का छोड़कर हम आज के हालातों पर गौर करें तो हमने अभी तक इतनी तकनीक को इजाद नहीं किया है जो हमें स्पेस की यात्रा पर भेज सके। यूनिवर्स के किनारे तक पहुंचना तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक्सपर्ट्स जब कभी लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने का सोचते हैं तो एक ही विचार सामने आता है कि प्रकाश से तेज कोई वस्तु नहीं है। स्पेस में यही विचार हमें कई सवाल और गुत्थी को समझने में मदद करता है। लेकिन हैरानी की बात है कि यूनिवर्स के किनारे पर यह विचार काम नहीं करता है, क्योंकि वहां गैलेक्सी केवल एक्सपेंड नहीं कर रही है बल्कि तेज रफ्तार से एक्लेरेट भी कर रही है। फैक्ट्स बताते हैं कि एज ऑफ द यूनिवर्स के पास मौजूद गैलेक्सी के पृथ्वी की पड़ोसी गैलेक्सी के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी तेजी से फैलने की दर लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज है। इसके विपरीत हमारे स्पेस का सबसे अहम नियम है कि लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज कुछ भी नहीं चलता है। वैज्ञानिकों का यह फैक्ट्स पूरी तरह असमझ में डाल देता है। उनका मानना है कि हमारी गैलेक्सी के बीच मौजूद डार्क स्पेस भी तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से ऑब्जर्वर यूनिवर्स के किनारे भी फैलते जा रहा है। ऐसे में 99.9% कोई चांस नहीं है कि हम कभी यूनिवर्स के किनारे तक पहुंच पाए। सभी हाइपोथेटिकल सिचुएशन को लगाकर भी ऐसा कर पाना संभव नहीं है। पहले तो मनुष्य का लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना मुमकिन नहीं है, और अगर ऐसा होता है तब भी हम प्रकाश की गति से ज्यादा तेजी से फैलते यूनिवर्स को नहीं पकड़ पाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कोई तरीका है जिससे हम यूनिवर्स के किनारे तक पहुंच पाए? अगर आपको ऐसा कोई तरीका पता है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।